सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल का औचक निरीक्षण उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने किया। इस दौरान मरीजों के प्रत्येक वार्ड में जाकर उपखंड अधिकारी ने देखा तो पाया कि तीनों प्रकार के कचरा पात्र वार्डों में नहीं मिले, जिसे उपखंड अधिकारी खफा नजर आए। जिसके बारे में पीएमओ को निर्देशित किया गया कि हर वार्ड में सभी प्रकार के मेडिकल कचरे की बाल्टियां रखी जावे। इसी प्रकार ताले में बंद मिले 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का ताला खुलवाकर उपकरण अधिकारी ने कहा कि इनको समय समय पर लाइट में लगाकर चेक करो ताकि कहीं ये खराब न हो, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का बड़ा उपयोग साबित होगा। इस पर पीएमओ ने कहा कि अधिकांशतः इन मशीनों को चेक किया जा चुका है, लेकिन हर बेड तक लाइट की पिन पहुंचाने का काम चल रहा है, इसलिए ये बंद कमरे में पड़े हैं। इनके अलावा सभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को चेक किया जा चुका है। दूसरी ओर प्रत्येक वार्ड में जाकर उपखंड अधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी कक्ष में स्टाफ के एक जगह बैठने की बजाय मरीजों के वार्ड में कम से कम एक चिकित्सा कर्मी के बिठाने पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेता बाबूलाल कुलदीप ने उपखंड अधिकारी से कहा कि मात्र एक एनेस्थेटिस्ट अस्पताल में होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए दूसरे एनेस्थेटिस्ट की व्यवस्था भी अस्पताल में करवाई जाए। उपखंड अधिकारी अस्पताल के बाथरूम चेक करने के लिए गए तो वहां सफाई मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी सफाई सुबह होनी चाहिए थी, ये हाथों हाथ की हुई नजर आ रही है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के निरीक्षण के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार बगड़िया अपने कक्ष में नहीं मिले। इसी प्रकार दो वार्डों में पूरा नर्सिंग स्टाफ भी अपने कक्ष में नहीं मिला, जिस पर स्टाफ ड्यूटी के अनुसार अपने कक्ष में हाजिर रहने के लिए कहा गया। उपखंड अधिकारी ने आपातकाल कक्ष के सामने बने स्टाफ ड्यूटी कक्ष में खड़े होकर एक फीमेल नर्स का करीब 5 मिनट तक इंतजार किया और आने पर उसे पूछा कि आप बिना सूचना कहां गए थे, जिस पर संबंधित नर्स ने बताया कि मैं सोनोग्राफी कक्ष में गई हुई थी। इस पर एसडीएम ने कहा कि बिना सूचना कहीं पर भी मत जाइए, इससे मरीजों को दिक्कत होती है। दूसरी ओर अस्पताल में उपलब्ध कंसंट्रेटर्स के बारे में जानकारी लेने पर सामने आया कि कुल 47 कंसंट्रेटर अस्पताल में उपलब्ध है। वहीं राजकीय अस्पताल के पीएमओ को 2 दिन का समय दिया जाकर ऑक्सीजन हेतु लगी पाइपलाइन की सप्लाई चेक कंप्लीट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार अस्पताल में बंद पड़े 10 वेंटिलेटर्स के बारे में भी चर्चा करने पर सामने आया कि आईसीयू कक्ष अस्पताल में स्थापित करने के लिए विभागीय फाइल सरकार के पास भेजी गई है, जिसमें पूरा प्रस्ताव बनाया गया है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाने के लिए भी अस्पताल प्रशासन को कहा गया है। इसी प्रकार दवा वितरण केंद्रों पर सारी एंट्री शाम के अतिरिक्त समय में न करके निर्धारित समय में भी करने के लिए कहा गया है। वहीं MLA के कार्यक्रम के दौरान कुछ ही दिन पहले सूखी पाई गई पानी की टूंटियाँ लोगों की प्यास बुझाती हुई नजर आई। PMO ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जलदाय विभाग से सप्लाई मंगवाई जाती है। वहीं निरीक्षण के दौरान लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं पाए जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने व कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल प्रशासन से कहा गया। निरीक्षण के बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया जो ही अस्पताल के बाहर पार्किंग में आए तो वहाँ पर हारून नामक व्यक्ति ने बताया कि मैं अपने पोते को हड्डी के डॉक्टर को दिखाने के लिए 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा समाधान नहीं हो रहा है, जिस पर पता चला कि हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑपरेशन कक्ष में है। इस पर दूसरे हड्डी रोग विशेषज्ञ के कक्ष की जानकारी उसे दी गई। इसी प्रकार मोहम्मद आरिफ काजी नामक व्यक्ति ने बताया कि पिछले 4 दिनों में हम लोग 300 से 400 रुपये का पानी खरीद कर पी चुके हैं, लेकिन अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पानी बाहर से खरीदना पड़ता है। वहीं आरिफ से जब पानी की चालू पड़ी टूंटियों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि सोमवार की शाम से पीने का पानी अस्पताल में उपलब्ध करवाया गया है। हो सकता है कि ये अधिकारी के आने का डर हो, जिस वजह से पानी की टूंटियां स्टार्ट करवाई गई हों। तीसरी लहर की जो आशंका है उसके संदर्भ में जो तैयारियाँ हैं अपने उप जिला अस्पताल में, उनका निरीक्षण करके उनका रिव्यू किया गया है। और विशेष तौर पर पिछली बार अपन ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, तो इस संदर्भ में ऑक्सीजन प्लांट है उसका काम कहाँ तक हुआ है, ऑक्सीजन पहुँचाने वाली जो पाइपलाइन है उसका काम कितना हुआ है, आईसीयू के लिए इन्होंने क्या तैयारियां कर रखी हैं, इन सब का रिव्यू किया गया। और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं ये 47 के करीब इनके पास में है, और इनको निर्देश दिया गया कि प्रत्येक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है आप उसको चेक करवाएँ पर डे, आप उनको यूज में लें, आप उनका ब्लॉग बना करके 15-15 पर डे के हिसाब से, ताकि वो रनिंग में रहें। अगर वो रनिंग में रहेंगे तो मशीनरी है वो ठीक रहेगी, और उसका यूज नहीं करेंगे तो ख़राब हो सकती है और अपनी प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर पा रहे हैं,
हाँ, एक आप की बात कुछ हद तक सही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर विशेष तौर पर स्पेस की कमी है, थोड़ा अस्पताल में जो बाउंड्री है वो छोटी है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वो यहाँ पर नहीं रखा, दूसरी जगह हम लोग रख रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती रहे। तीन घंटे से यहाँ घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि तीन बजे देखेंगे डॉक्टर साहब। क्या कारण बताया? बोल रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर तो और भी है, डॉक्टर और है, वो उन्हीं के पास जा रहे हैं अभी। हॉस्पिटल में पीने पानी क्या दिक्कत आई आपको? हम चार दिन रहे, एक बूंद भी यहाँ पानी सही नहीं था और पानी बंद हो गया था एकदम, तो हमें मॉल लेके आना पड़ता था। शाम को है ना कम से कम 5-6 बोतल है ना एक्स्ट्रा में रखनी पड़ती थी। अब अधिकारी आए हैं तो पानी आ गया क्या अचानक? नहीं आ गया, दो दिनों से मैं खुद देख रहा हूँ कि कल भी आके गया था, कल पानी मैंने पिया है यहाँ, एकदम तलाजे उतर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक नींद आई। गांव जींदासर के खेत में हिरण के बच्चे को कुत्तों ने घायल कर दिया, जिस पर लोगों ने बजरंगी गौ सेवा समिति को इसकी सूचना दी, तो मौके पर पहुंचकर बजरंगी गौ सेवा समिति की टीम ने हिरण को सुरक्षित अपने साथ लेकर ताल छापर अभयारण्य के कर्मचारियों को सौंप दिया और छापर में हिरण का उपचार किया गया है। बबलू बजरंगी, करण सांकला, मुकेश चाहर, विवेक भुगालिया, किशोर प्रजापत आदि लोगों ने इस कार्य में योगदान दिया।